Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and your brother, the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. An overview of cell. यानी cell का आज हम overview देखेंगे, है ना? पिछले video में हमने cell theory के बारे में discuss किया था. उसके पहले मैंने introduction of the cell के बारे में किया था. So आज हम overview देखेंगे cell का. ठीक है. Cell क्या होती है? हम सभी जानते हैं basic unit of life होती है. ठीक है. कैसे बनती है? सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं. टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बॉडी बनती है. ठीक है. सो फर्स्ट वी रीड व्हाट रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आफ्टर दैट यू रीड ईच एंड एवरीथिंग बट सिंपल एंड इजी वर्ड. ठीक है. सो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ऑनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल अंडर माइक्रोस्कोप, है ना? जब हम ऑनियन की सेल, ऑनियन पील सेल, ऑनियन जो है क्या हमारा प्लांट है, ऑनियन जो है क्या है प्लांट है, प्याज का प्लांट है, और एनिमल यानी ह्यूमन में क्या आएगा यहाँ पे ह्यूमन चीक, है ना, यानी मनुष्य का गाल ये. ठीक है. इसकी सेल को और ऑनियन पील की सेल को, जो ऑनियन है प्याज है, ये जो है ह्यूमन वाला ये क्या है एनिमल है, एनिमल है. ठीक है. इसकी सेल को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप के यानी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करते हैं, है ना, तो क्या देखते हैं उसमें, उसमें कुछ हम रिकॉल करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, क्या करते हैं रिकॉल देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. द ऑनियन सेल, जो कि एक प्लांट की सेल है, द ऑनियन सेल, ऑनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल, जो कि प्लांट सेल है, ऑनियन जो है हमारा प्लांट सेल है, हैज ए डिस्टिंक्ट सेल सेल वॉल एज इट आउटर बाउंड्री. तो प्लांट सेल में क्या है, प्लांट की सेल में क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, ये हमको पता है. ठीक है. प्लांट सेल में क्या होगी, सेल वॉल पाई जाएगी, एज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल इन आउटर बाउंड्री, है ना, इसमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है आउटर बाउंड्री में, एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होगी, और जस्ट विद इन यानी सेल वॉल पाई जाएगी, उसके नीचे क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी. सेल वॉल के बाद क्या पाई जाएगी, सेल वॉल के बाद क्या पाई जाएगी, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी. ठीक है. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं. सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक, जो ह्यूमन चीक यानी ह्यूमन के गाल, क्या हुआ इसका मतलब, ह्यूमन चीक मनुष्य के गाल की सेल, मनुष्य के गाल, मनुष्य के गाल की जो सेल होगी, द सेल ऑफ ह्यूमन चीक हैव आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना. सो मनुष्य के गाल में कौन सी होगी, सेल वॉल तो पाई नहीं जाएगी भाई, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होती है. ठीक है. इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. और इन सारी चीज़ों, इन सारी सेल में एक क्या हुआ, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, जो कि न्यूक्लियस था, है ना. न्यूक्लियस में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, है ना. जो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा जेनेटिक मटेरियल को, है ना, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा. जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, लोग में डीएनए होता है. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो क्रोमोसोम होगा उसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम होगा. ठीक है, याद रखेंगे. ऑल सेल डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट. जिन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाए जा रहे थे उनको क्या बोला गया, यूकैरियोट बोला गया. जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाए जा रहे थे उनको यूकैरियोट बोला गया. यू मतलब होता है ट्रू, है ना, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियस का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, कैरियस का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोट. ठीक है. वेयर सेल डेट लैग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर
प्रोकैरियोट, है ना। और जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा उस सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोकैरियोट बोलेंगे। प्रो का मतलब होता है पहले, है ना, पहले। प्रो का मतलब होता है पहले, और कैरियस का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, पहले या प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा, है ना। यानी इसमें प्रो न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोट में, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में बेसिकली हम किसको रखते हैं, प्रोकैरियोट्स में बेसिकली हम रखते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जो होते हैं हमारे, यूनिसेलुलर जो मोनेरा किंगडम होता है हमारा, है ना, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, उसमें जितने बैक्टीरिया आते हैं, है ना, बैक्टीरिया जितने आते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, और यूकैरियोट में हम लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं सारे के सारे यूकैरियोट में आते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में क्या होगा, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा, जो कि वॉल्यूम का सेल ऑक्यूपाई करता है, यानी सेल में पाया जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है सभी लोग जानते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है मेन एरेना होता है, क्या होता है, मेन एरेना, एरेना फॉर सेलुलर, सेलुलर एक्टिविटी, है ना। यानी सेल की एक्टिविटी जो होगी, सारी की सारी सेल की एक्टिविटी होगी वो साइटोप्लाज्म में ही होगी। साइटोप्लाज्म किसमें किसमें पाया जाएगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल दोनों में पाया जाता है। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, अर्ध तरल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि सेल में पाया जाता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना फॉर एक्टिविटी, मैंने आपको बताया जो साइटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटी, यानी सेलुलर की एक्टिविटी, मेन एरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में सेलुलर की एक्टिविटी के लिए मेन एरेना होता है, है ना। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट कीप द सेल लिविंग स्टेट, है ना। और इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होंगी जो कि क्या करेंगी सेल को लिविंग स्टेट पे, यानी इसको जीवित बनाए रखने में हेल्प करेंगी, सेल को जीवित बनाए रखने में हेल्प करेंगी, जो कि कहाँ पे होंगी, साइटोप्लाज्म में होंगी। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, साइटोप्लाज्म में रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी जो कि सेल को लिविंग बनाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। आगे क्या है, बिसाइड द न्यूक्लियस, है ना। अब ये तो भाई बात हुई न्यूक्लियस की, बिसाइड का मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ। बिसाइड, 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 बिसाइड मतलब के अलावा, के अलावा, के अलावा, है ना, इसके अलावा, मतलब भाई इस चीज़ को साइड कर दो, इसके अलावा बात करो, है ना। तो यानी बिसाइड द न्यूक्लियर, न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस को हटाने के बाद क्या और पाया जाता है यूकैरियोट में, द यूकैरियोट सेल हैज, यूकैरियोट सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं, है ना। यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अलावा और क्या पाया जाता है अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, जिसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। लाइक ऑर्गेनल्स में क्या आएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा हमारा, जिसको ईआर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, जिसको कैमिलियन गोल्जी साहब ने दिया था। लाइसोसोम आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं, ये इसमें एसिडिक कंटेंट होता है, ठीक है। माइटोकांड्रिया जो होता है, माइटोकांड्रिया के बारे में हम सभी जानते हैं, माइटोकांड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का ये पावर हाउस होगा, यानी सेल में ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगा, ठीक है। और माइक्रो बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी बॉडी होंगी और वक्यूल होगा, जो वक्यूल, माइक्रो बॉडी और वक्यूल, जो वक्यूल पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में, प्लांट में पाया जाएगा वक्यूल, है ना। और क्या होगा, ये प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल में क्या नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोट सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी प्रोकैरियोट सेल में जो होंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे। और उसमें क्या पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक राइबोसोम, है ना, राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है,
राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है जो कि नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है और किसमें पाया जाता है, फाउंड इन ऑल सेल, जो कि सारी की सारी सेल में पाया जाएगा। ऑल सेल मतलब यहाँ बोला है यूकेरियोट और प्रोकेरियोट दोनों की बात हो रही है ना, प्रोकेरियोट यूकेरियोट दोनों में राइबोसोम पाया जाएगा जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, याद रखेंगे। जो राइबोसोम होते हैं, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, जो राइबोसोम होता है इसमें टू टाइप के राइबोसोम होते हैं, जो 70S वाले होंगे, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे, वो किस में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट में पाए जाएंगे, है ना, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। और कहाँ पे पाए जाएंगे, यूकैरियोट के क्लोरोप्लास्ट में, है ना, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। और कहाँ पे पाए जाएंगे, माइटोकांड्रिया में पाए जाएंगे। यानी प्रोकैरियोट में राइबोसोम पाए जाएंगे वो 70S वाले राइबोसोम पाए जाएंगे, है ना, और यूकेरियोट में भी 70S के राइबोसोम पाए जाएंगे, बट कहाँ पे पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट यानी वो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे, और माइटोकांड्रिया यानी एनिमल में वो माइटोकांड्रिया में पाए जाएंगे। और यूकेरियोट में 80S के राइबोसोम भी पाए जाते हैं, यानी यूकेरियोट में 80S 70S दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। जो 70S होता है ना, 70S का मतलब क्या हुआ, इसकी दो सेट यूनिट हो गई, 50S एंड 30S, है ना, 50S एंड 30S। यस जो होता है स्वेडबर्ग यूनिट होता है, क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट होती हैं, जो कि इनडायरेक्टली इसकी डेंसिटी को मेजर करती हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं, तो ये इनडायरेक्टली डेंसिटी को मेजर करती हैं। यानी 70S में जो लार्ज सब यूनिट होगी वो 50S की होगी, और स्मॉल सब यूनिट होगी जो वो 30S की होगी। बट यूकेरियोट में क्या होगा, उसमें जो 80S राइबोसोम पाए जाएंगे वो कहाँ पे पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, और जो 70S के पाए जाएंगे वो माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, वो प्रोकैरियोट यूकेरियोट दोनों में पाए जाते हैं। विद इन द सेल, सेल में राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, कुछ सेल में होता है राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं, है ना, नॉट फाउंड इन ओनली साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनल्स, दो ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, वो ऑर्गेनल्स हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट जो होता है कहाँ पे पाए जाते हैं, लीफ में पाए जाते हैं। लीफ में कहाँ पे, मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, लीफ की मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाएंगे। इसीलिए जो प्लांट होते हैं वो फोटोऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। और जो एनिमल में पाए जाएंगे, एनिमल में कहाँ पाए जाएंगे, माइटोकांड्रिया में पाए जाएंगे एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एनिमल सेल कंटेन इन अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। एनिमल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। सेंट्रियोल हेल्प करता है हमारा सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल्स क्या करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल का डिवीजन कराएगा, यानी सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स हेल्प करता है। ये हम याद रखेंगे कि यूकेरियोट में हमारे एनिमल आते हैं, यूनिमल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो क्या पाया जाएगा, वो सेंट्रियोल्स पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा, राइबोसोम जो होता है वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इसके स्ट्रक्चर होता है, है ना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेंट्रियोल हेल्प करेगा सेल डिवीजन में। सेल जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, किस किस बेसिस पे, उस अपने साइज के बेसिस पे, है ना, उसका साइज जो ग्रेटली डिफर होता है, साइज और शेप और एंड एक्टिविटी। यानी सेल किस किस मामलों में डिफर हो सकती है, अपने साइज के बेसिस पे, यानी उसका डायमीटर क्या है, साइज में क्या हम डायमीटर को देखेंगे, ठीक है। और शेप में ये हम देखेंगे कि उसका आकार क्या है, आकार मतलब वो डिस्क शेप है, ओवल शेप है, कॉलिनकल शेप है, किस टाइप की सेल है, एलोंगेटेड सेल है, उसमें हम शेप में देखेंगे, उसका आकार देखेंगे। और एक्टिविटी में ये देखेंगे कि सेल कौन सी एक्टिविटी कर रही है ना, उसका फंक्शन क्या है, सारी की सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसकी जो सेल का डायमीटर होता है, लेंथ में कितना होता है, ये 0.3 माइक्रोमीटर, है ना, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है लेंथ में, है ना। इसको क्या बोलते हैं, PPLO भी बोलते हैं,
पीपीएलओ भी बोलते हैं यानी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसको क्या बोलते हैं एमएलओ भी बोलते हैं यानी मॉल्यूक्लेट लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, मॉल्यूक्लेट लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है 0.3 माइक्रोमीटर होती है। वाइल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है, ये हमको फिगर दिखाए गए हैं, फिगर मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, पहले हम टेस्ट में देखते हैं। और जो बैक्टीरिया की साइज होता है वो कहाँ से रेंज कर सकता है, वो 3 to 5 माइक्रोमीटर, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में कभी कभी ये आता है कि बैक्टीरिया का जो साइज है कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर अगर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर हमको 1 to 5 माइक्रोमीटर दिया है तो हम इसको सही कर सकते हैं, है ना, सही कर देंगे, क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 3 to 5 है तो यानी 1 तो इससे कम ही है ना, तो वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है वो क्या होती है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एक ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। जो लार्जेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो क्या होगी वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होगी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होगी। ये इसका कितना होता है, 170 mm होता है ये, है ना, लार्जेस्ट सेल होती है 170 mm की, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑफ जो होगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच होगा, ये कितना होता है 170 mm होता है, ठीक है। एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन की रेट, जो रेड ब्लड सेल होती है वो कितनी होती है, 7 ह्यूमन की रेड ब्लड सेल जो होती है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में, यानी जो आरबीसी जो होगी उसका साइज क्या होगा, 7 माइक्रोमीटर होगा, ये किसमें होगा, डायमीटर में होगा, ठीक है, याद रखेंगे। जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट, जो नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है, नर्व सेल जो होती है लॉन्गेस्ट सेल होती है। इसमें क्या होते हैं, नर्व सेल में क्या पाए जाते हैं, मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होगा, ये सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। जैसे हमारी मोटर बाइक होती है, मोटर बाइक का काम क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम लोग जाते हैं उसमें बैठ के, तो उसी तरह इसमें मोटर न्यूट्रॉन का काम होता है, इन्फॉर्मेशन को यानी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। ये नर्व सेल जो होती हैं ये लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, याद रखेंगे। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, जो सेल होती हैं वो अपने शेप में भी ग्रेटली वेरी करती हैं, सेल का जो शेप होता है वो भी वेरी कर सकता है, कैसे कैसे, ऐसे उनका जो शेप हो सकता है डिस्क लाइक हो सकता है यानी तस्तरी के नुमा हो सकता है यानी प्लेट के नुमा हो सकता है, पॉलीगोनल टाइप का हो सकता है, और कॉलुमनर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है ना, क्यूबॉइड शेप हो सकता है, और कैसा हो सकता है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है, इवन इनरेगुलर, यहाँ तक कि इनरेगुलर शेप हो सकता है यानी उसका कोई भी शेप नहीं हो सकता है, विदाउट शेप की भी हो सकती है वो, ठीक है। तो हमने देख लिया डिस्क शेप, पॉलीगोनल शेप, कॉलुमनर शेप, क्यूबॉइडल शेप, और थ्रेड लाइक होंगी, इवन इनरेगुलर होंगी, तो क्या होंगी, द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, है ना, जो इसका जो होता है सेल का शेप भी वेरी करता है, किस पे वेरी करता है, क्योंकि वो फंक्शन सेल जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, इसके बेसिस पे, इसका फंक्शन के बेसिस पे सेल का जो है शेप वो वेरी कर सकता है, है ना। अब यहाँ पे हमको कुछ सेल के फिगर दिखाए गए हैं, है ना, कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं हमको, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये हमको क्या दिखाया गया है, आरबीसी का साइज मैंने बताया था कितना था, 7 माइक्रोमीटर था, ठीक है। रेड ब्लड सेल ये कैसी होती है, राउंड होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं, और इन्यूक्लिएटेड होती हैं, कैसी होती हैं, इन्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इसमें जो होगा न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, है ना, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा इसमें। और इसमें और क्या दिखाया गया हमको, ये WBC दिखाई गई हैं, है ना, इनका सेज जो होता है पॉलीगोनल टाइप का होता है, पॉलीगोनल होता है। WBC जो होते हैं, WBC किस में हेल्प करती है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में बूस्ट कराती हैं, यानी ये WBC जो होती हैं फाइगोसाइटोसिस होती हैं, ये फाइगोसाइटिक होती हैं, यानी बैक्टीरिया को ये खा जाएंगी, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने आएंगे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए, उनको ये खाए जाएंगी, यानी इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। आगे क्या है, कॉलुमनर एपिथेलियम, ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। कॉलमनर एपिथेलियम, इनकी जो सेल होंगी कैसे होंगी, कॉलम लाइक होंगी, इनके नाम से ही पता चल रहा है कॉलम, ये लंबी लंबी हैं, है ना, कॉलम के जैसे हैं,
और ये लॉन्ग है और नैरो है। इनके जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई क्या हैं, ये बेजल न्यूक्लियाई हैं, बेस पे न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं, बेजल न्यूक्लियाई हैं। इनमें क्या हैं, बेजल न्यूक्लियाई हैं, इनके जो न्यूक्लियस हैं वो बेस पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। और हमको क्या दिखाया गया है, ये हमको दिखाया गया है नर्व सेल के बारे में। जो नर्व सेल होती हैं ये लॉन्ग होती हैं और ब्रांच होती हैं, है ना, लंबी और ब्रांच सेल होती हैं ये। इनमें क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, इनमें क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं जो कि सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दिखाया गया हमको, ये ट्रैकेट का दिखाया गया है। ट्रैकेट जो पाई जा रही थी, ट्रैकेट जो पाई जा रही थी, ट्रैकेट कहाँ पे पाई जा रही थी, हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में देखा था ट्रैकेट के बारे में। ट्रैकेट एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में देखा था, इलांगेटेड सेल थी, ठीक है। ट्रैकेट और वेसल्स मैंने पढ़े थे, ये वही हैं ट्रैकेट जो इलांगेटेड सेल हैं। और ये मेजोफिल सेल जो पाई जा रही हैं, ये राउंड और ओवल होती हैं जो कि लीफ में पाई जाती हैं, लीफ में पाई जाती हैं। और क्या होती हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं, क्या कंटेन करती हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। मेजोफिल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होगा जो कि क्या, क्लोरोफिल होगा। और इसमें फिर क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। ये हमको क्या डायग्राम्स होता है डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। सो फिलहाल मैंने ये देख लिया ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, सारी की सारी इन डिटेल्स में चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। सो इफ लाइक माई सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कर माई वीडियो विद फ्रेंड। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।